हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। आज मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको मैगी से भी कम समय में बनने वाला ये ब्रेड आमलेट का रेसिपी बताऊंगी, वो भी एकदम न्यू तरीके से। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं दो अंडा का बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो मैं ब्रेड का पहले कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसका किनारा जो है ब्रेड का, उसको हटा लेना है। और इसमें डालने के लिए मैं थोड़ा अदरक, प्याज, हरी मिर्ची कट करके रख ली हूँ, क्योंकि आप वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, झटपट से बना के मैं आपको दिखा सकूँ। तो इस तरह से ब्रेड का किनारा हटा के मैं इसे छोटा छोटा क्यूब्स में काट लूँगी। इस प्रकार से आपको ब्रेड काट लेना है, और काट के मैं एक जगह रख ले रही हूँ। ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं इस किनारे का बाद में ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और मैं अंडा को फोड़ के एक ग्लास में रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फुल वॉच करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोनों अंडा मैं फोड़ के ग्लास में रख ली हूँ। अब मैं इसमें नमक मिला दे रही हूँ, और नमक के बाद मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई, वो भी डाल दे रही हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे अच्छे से फेंट लूँगी पहले। अब वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है फ्रेंड्स। अब ब्रेड ऑमलेट तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन आप इस प्रकार से बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत झटपट से बन के रेडी हो जाती है। मैं कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ। तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें, जब तक मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ मिर्ची डाल दे रही हूँ और अदरक डाल दे रही हूँ। यदि आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची मत डालिएगा, सिर्फ काली मिर्च से ही इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब मैं इसमें पूरा अंडा घोला हुआ डाल दी हूँ। इसे हल्का सा फैलाऊंगी। इसके ऊपर से मैं कटा हुआ पहले प्याज डाल दे रही हूँ। उसके बाद ये सारा ब्रेड का टुकड़ा जो मैं काट के रखी थी, इसे अच्छे से इसके ऊपर से पूरा बिछा दूंगी, और इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके इसे इसमें चिपका दूंगी अच्छे से अंडे में। ये दो अंडे का आमलेट इतना अच्छा बनेगा कि एकदम पूरा हैवी नाश्ता लगेगा कि आपका हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे आराम से, ये धीरे धीरे सिकेगा अंदर से। इसे एक तरफ से हल्का सा उठा के देख लूँगी मैं कि अंदर में सिक गया है। यदि सिक गया होगा तो मैं इसे दूसरे तरफ से पलट दूँगी। ये हो चुका है एक तरफ से, अब मैं इसे दूसरे तरफ पलट दे रही हूँ। ये आसानी से पलट जाएगी। और इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट तक सेकने दूँगी। दोनों तरफ से सिक चुका है अच्छे से। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, बनके ब्रेड ऑमलेट तैयार है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। इसे आप ज़रूर बनाएंगे।